गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप, क्या बोलना है आपको, आई एम फाइन थैंक यू, गुड। चलिए, हाउ ओल्ड आर यू, जल्दी से बताओ, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो आपने बोलना है जितने भी आप साल के हो, आई एम 3 years old। What is your name? My name is, जो भी आपका नाम है। तो चलिए, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। चलिए मैथ्स में देखिए बच्चों, टू बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होता है, लाइन यहाँ एक है, दिस इज अ, जब किसी नोटबुक में ये बॉक्स होता है तो इसको कौन सी कॉपी बोलते हैं, कौन सी नोटबुक बोलते हैं, ये होती है हमारी मैथ्स नोटबुक। चलिए अब हम कुछ फ्लैश कार्ड्स मैं आपको बताऊँगी, आपने मुझे वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है। हम क्लासरूम में भी वही प्रैक्टिस करवाते हैं, आपका नंबर डे आएगा तब भी वही, बस सिर्फ पैटर्न चेंज होगा, नंबर्स तो वही रहेंगे। तो नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस, जल्दी से बताइए विच नंबर इज दिस। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, नंबर 4। और ये किस कलर के है हमारा नंबर 4, ब्लू कलर। इस नंबर का कौन सा कलर है, ब्लू। चलिए नेक्स्ट, टेल मी विच नंबर इज दिस, नंबर 2। और जो हमारा नंबर 2 है वो येलो कलर का, कौन सा कलर है बच्चों, येलो कलर। चलिए नेक्स्ट नंबर जो आप सबको आता है, नंबर 1। और नंबर 1 हमारा कौन से कलर का है, रेड कलर का। Which color is this? Red color. और कौन सा नंबर है, Which number is this? Number 1. चलिए अब नेक्स्ट नंबर लीजिए, बताइए कौन सा नंबर है, Which number is this? Number 5. करते हो ना आप क्लासरूम में, 1, 2, 3, 4, 5। और 5 किस कलर का है बच्चों, बोलो बोलो, ग्रीन कलर का। विच कलर इज दिस, ग्रीन। विच नंबर इज दिस, 5। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, जल्दी से बताओ, विच नंबर इज दिस, नंबर 7। नंबर 7। और नंबर 7 किस कलर का है बच्चों, येलो कलर का। किस कलर का है, येलो कलर का। चलिए अब नेक्स्ट नंबर बताइए, विच नंबर इज दिस, नंबर 1, 2, 3। और जो हमारा 3 है वो किस कलर का है बच्चों, ऑरेंज कलर का। किस कलर का है, ऑरेंज कलर का। चलिए अब मैं बताती हूँ नंबर 6, विच कलर इज दिस, दिस इज रेड कलर। एंड विच नंबर इज दिस, नंबर 6। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। वेरी गुड। आज हम एक नया नंबर लिखना सीखेंगे, नंबर 8। नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस, नंबर 8। आपको एक नंबर 8 की स्टोरी बताऊं? नंबर 8 ना एक डॉल जैसी लगती है। किस तरह लगती है, डॉल की तरह, जिसका फेस छोटा है लेकिन पेट बहुत मोटा है, है ना। देखिए इसका टमी कितना मोटा है, फेस छोटा है। जब आप लिखना सीखोगे तो याद रखना, फेस छोटा बनाना है और टमी को मोटा बनाना है। तो चलो सीखते हैं नंबर 8। नंबर 8 याद रखना, डॉल की तरह लगता है ये, देख गुड़िया की तरह हिलती हूँ, है ना। नंबर 8 बोलता है मुझे, गुड़िया की तरह लगती हूँ, है ना। तो नंबर 8 किसकी तरह लगती है, गुड़िया की तरह। अगर हम इसके बाल वाल लगा देंगे तो ये ऐसी लगती है जैसे एक डॉल होती है, गुड़िया होती है। तो गुड़िया का फेस छोटा, पेट मोटा। तो चलो हम लिखते हैं अपना, कैसे लिखते हैं नंबर 8। तो चलिए डियर पेरेंट्स, देखिए ये है हमारी मैथ्स नोटबुक, जिसमें ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप में हमारे होते हैं बॉक्सेस, जिसको बोलते हैं हम मैथ्स नोटबुक। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉट लगाना सिखाती हूँ। देखिए एक डॉट लगेगा, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस छोड़ के, 1, 2, और नीचे को जो डॉट लगेगा वो लाइन पे लगेगा। ये तो लग गए हमारे डॉट। अब हमने फिर से देखिए, 1 डॉट,
थोड़ा सा छोटा और फिर नीचे। अब लिखना कैसे है, अब हमारी डॉल की तरह लगता है, तो देखिए कैसे लिखना है। पहले हमने यहाँ पर छोटा सा फेस बनाया, अब यहाँ पे इसका मोटा सा पेट बना दिया, क्या बन गया ये नंबर ए। फिर से देखिए, छोटा सा फेस मोटा सा पेट, क्या बन गया नंबर एट। छोटा सा फेस मोटा सा पेट, विच नंबर इज दिस बच्चों, नंबर एट, नंबर एट। डियर पेरेंट्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो हम ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं कि कट द नंबर ये सो वो सिर्फ हमने इनका कंपटीशन भी लेंगे हम क्विज कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन सिर्फ हम इसलिए कराएंगे कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, थ्रू आउट ऑफ लाइफ इनको पता रहे कि कौन सा नंबर कौन सा है। अक्सर बच्चे लिख लेते हैं लेकिन उनको पहचान नहीं होती कि कौन सा नंबर कौन सा है, वो सिर्फ इसलिए हम करवाते हैं कि इनको नंबर्स की पहचान हो। तो जिस तरह ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस या और तरह की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, प्लीज़ आप भी करवाइए। अब हमारा नंबर डे आ रहा है, उसमें भी बच्चे को वो पिक करना है, तो प्लीज़ आप वैसे भी घर में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे आज मैंने नंबर एट का बताया कि ये दिखता है डॉल की तरह, तो आप ऐसे भी करेंगे, डॉल की तरह कौन सा नंबर दिखता है, नंबर एट, छोटा फेस मोटा फेस। ऐसे इजी वे में, प्ले वे मेथड में आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तो बहुत इजी वो सीख जाएगा। चलो बच्चों, अपने पापा मम्मा का कहना मानिए, आई फ्लू से बच के रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।